अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर दो बड़ी कटी हुई प्याज, करी पत्ता, राई, कटा हुआ हरा धनिया, तीन बड़ी हरी मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और बारीक बारीक कटी हुई भिंडी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म करके ऑयल को ऐड कर लेंगे। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक बारीक काट के रखी थी वो ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च, करी पत्ता और राई को ऐड करके साथ ही साथ प्याज को भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर बदलने तक फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट कटी हुई भिंडी को ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भिंडी को ऑयल में ही अच्छे से फ्राई करके गला लेना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए एक प्लेट बंद करके पका लेंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं भिंडी थोड़ी सी गलने लगी है। हमें इसको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर से चिपचिपाहट ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी के अंदर से सारी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है और हमारी भिंडी अच्छे से गल गई है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, रेड चिल्ली पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी भिंडी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। हम ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे। मैं भिंडी की सब्ज़ी को रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी हमारी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।